दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाए दुनिया भर की रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। शराब कारोबारी और भगोड़ा विजय माल्या को आज एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। लंदन पुलिस ने दूसरी बार विजय माल्या को गिरफ्तार किया था, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी माल्या को कुछ मिनटों में ही रिहा कर दिया गया। विजय माल्या की गिरफ्तारी को लेकर भारत में खबरें पहुँचते ही उधर यूके से माल्या रिहा हो जाता है। आइए आपको बताते हैं क्या है आखिर मामला। सूत्रों के मुताबिक माल्या के पास सरकार से भी ज्यादा पुख्ता सबूत है। सरकार के लगाए सभी आरोपों को माल्या लगातार खंडन करता आया है। हालांकि सरकार के लिए माल्या को भारत लाना इतना आसान नहीं है। ब्रिटेन कानून के मुताबिक 1971 के आव्रजन कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास ब्रिटेन में प्रवेश कर ते समय वैध पासपोर्ट हो तो ब्रिटेन को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि देश में उसके रहने के दौरान भी उसके पास वैध पासपोर्ट हो। प्रत्यर्पण के मामलों में ब्रिटेन ने भारत को कैटेगरी 2 देशों में रखा है। ऐसे देशों के लिए अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बहुत लंबी और मुश्किल होती है, जबकि कैटेगरी 1 में शामिल देशों को इस मामले में तरजीह दी जाती है। इन देशों में अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं। ब्रिटेन अभी तक प्रत्यर्पण से संबंधित भारत की कई एप्लीकेशन को खारिज कर चुका है। सरकार सिर्फ माल्या को ही लाना नहीं चाहती है। भगोड़े अपराधी रेमंड वले, रवि शंकरन, वेलु भूपालन, अजय प्रसाद खेतान, वीरेंद्र कुमार रस्तोगी और आनंद कुमार जैन जैसे कई नाम शामिल हैं। लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।